वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हैलेट एरिथमिक रेंज फोर एंड मोशन या मोशन एडवांटेज का लेक्चर नंबर फोर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने एमसीक्यू नंबर 20 से डिस्कस करना है। तो पहले कंफर्म कर दे आवाज सही आ रही है और रिकॉर्डिंग का ऑप्शन शो हो रहा है, ये कंफर्म कर दीजिए। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन शो हो रहा है और आवाज सही आ रही है। रिस्पॉन्ड कर जी दे। सर, चलिए आवाज ठीक है, हमारे 19 एमसीक्यूज हो गए इतना, तो आज हमने 20 एमसीक्यू से स्टार्ट करना है। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस डिपेंड्स ऑन द टाइम, ये हमें क्वेश्चन दी हुई है। द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटीज ए एंड बी, तो ए एंड बी के डायमेंशन हमने बतानी है। तो ये सिंपल सा है, आप जानते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस क्या कहता है, कि सिमिलर क्वांटिटीज की जो होती हैं, जिनके डायमेंशन सेम होती हैं, उन्हीं क्वांटिटीज को आप ऐड या माइनस कर सकती हैं। तो ये हमें बता रही है, हमें हमारे पास ज़ाहिर है डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि उसने बताया है पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट है। तो यानी किसकी डायमेंशन हमारे पास क्या होती है? एल। तो ए टी की भी डायमेंशन हमारे पास क्या होगी? एल होगी। और बी टी स्क्वेयर की डायमेंशन भी हमारे पास क्या होगी? एल ही होगी, क्योंकि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज ही ऐड होती हैं। और फिर लेफ्ट और राइट साइड की जो डायमेंशन है वो भी क्या होती है? सेम होती है। तो यहाँ से आप ए की डायमेंशन निकाल लें, तो हमारे पास ए टी स्क्वेयर ए टी है, इसके डायमेंशन किसके इक्वल है? एल के। तो ए की डायमेंशन फिर हमारे पास क्या हो जाएगी? टी की डायमेंशन टी, इधर आकर टी माइनस हो जाएगा, तो एल डिवाइडेड बाय टी आ गया। और इसी तरह बी टी की स्क्वेयर की भी कर ले, तो बी की डायमेंशन क्या बन जाएगी? बी इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर हो गया ना। तो ये इसका आंसर है, ए एल ओवर टी और एल टी स्क्वेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? पार्टिकल एमसीक्यू नंबर 21 है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें दे रहा है, वो कह रहे हैं इक्वेशन के मुताबिक वो एक्स एक्सिस मूव करता है। वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकंड, देयरफॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। ये हमें इक्वेशन दी है, तो उसको हमने क्या बताना? हमने एक्सेलरेशन बताना है। तो नहीं सॉरी, वो कह रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर है, टी कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हमने इनमें से एक सही बताना है, बाकी चार सारे गलत हैं। द पार्टिकल फॉलोज द पैराबोलिक पाथ, ईच सेकंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस बाय 9.8 या नन ऑफ दीज, इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। तो अब देख लेते हैं कैसे। अब पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? पहला ऑप्शन है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। तो सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन निकाल के देख लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन वैल्यू क्या आती है। और आप जानते हैं कि डबल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। इसका डबल डेरिवेटिव लें, पहले दफा डेरिवेटिव लिया तो 12t आ गया, फिर डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 12 हमारे पास आता है, 6 हमारे पास नहीं आता। तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। फिर बी ऑप्शन है, द वैल्यू ऑफ टी कैन बी नेगेटिव। अब देखिए, ये हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है ना, वो कह रहा है कि यहाँ पर टी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। जब आप टी का स्क्वेयर रूट खत्म करेंगे, यहाँ पर स्क्वेयर रूट लें, आप जानते हैं जब भी स्क्वेयर रूट आप लेती हैं तो इक्वल के दूसरी साइड क्या आ जाता है? प्लस माइनस आ जाता है। तो प्लस माइनस 6t आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टी की वैल्यू प्लस भी है और टी की वैल्यू माइनस भी है, तो लिहाजा बी ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। द वैल्यू ऑफ टी कैन बी नेगेटिव बिकॉज आई द टी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो अलग बात है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं।